मैं डॉक्टर नेहा भारद्वाज हूँ। तो मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपके जो भी क्वेरीज है होम्योपैथी और COVID-19 रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो सिर्फ COVID-19 के लिए नहीं है, बल्कि जो भी पैंडेमिक मतलब जो भी दुनिया भर में अगर कोई बीमारी फैला है या एक जगह पे कोई बीमारी फैला है या कोई भी इन्फेक्शन को ट्रीट करना या उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई दवाई लेनी है, तो ये वीडियो उसी के लिए उसके लिए भी है। ठीक है, होम्योपैथी क्यों अभी इतना रिसेंटली सब लोग बोल रहे हैं या क्यों चर्चा में है? क्योंकि होम्योपैथी का काम है इम्यूनिटी बढ़ाना। अभी ये इम्यूनिटी कैसे दिखता है? जैसे एक माँ के दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों ने वही एक ही समय पर आइसक्रीम खाया है, ठीक है, पर एक बच्चा बीमार पड़ता है, एक नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक का इम्यूनिटी लो है या वीक है, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि दोनों बच्चे अलग है, मतलब उनका स्वभाव अलग है, उनका पसंद नापसंद अलग है, ठीक है, उनका बर्ताव या दूसरों से बर्ताव करने का तरीका अलग है, तो दोनों अलग अलग इंसान हैं। तो होम्योपैथी में वो सब स्टडी करके हम एक दवाई देते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। अभी तीन सिचुएशंस हैं, जैसे कोई होंगे हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं या कोई जो COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट का देखभाल करते हैं, वो एक कैटेगरी के लोग हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। दूसरे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, उनका काम है बाहर, और फिर उन बाहर कांटेक्ट में आके वापस घर पे आते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो घर पे ही हैं, जो बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। अभी हम होम्योपैथी कौन सी दवाई ले, ये कन्फ्यूजन है। तो जैसे हम होम्योपैथिक डॉक्टर एक केस पूरा डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, फिर आपको सिर्फ आपके लिए स्पेशली एक दवाई हम निकालते हैं, आपके पसंद नापसंद नेचर ये सब को लेके, और फिर एक दवाई देते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हो किसी डॉक्टर से, तो उसमें वो कवर हो जाता है, आपको दूसरा और कोई एक्स्ट्रा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर होम्योपैथिक दवाई नहीं चालू है आपकी, तो आप हो सके तो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर को कांटेक्ट करके उनको अपना डिटेल हिस्ट्री देके वो डॉक्टर आपको एक आपके लिए बनी हुई एक दवाई देंगे। अगर ये नहीं कर पाते आप कि आप अपनी हिस्ट्री नहीं दे पाते, तो आप जो आयुष गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आर्सेनिक एल्बम 30 तीन गोली 3 दिन ले सकते हैं लगातार, और उसके बाद वापस 1 महीने के बाद रिपीट कर सकते हैं। तो इसके साथ ऐसा नहीं है सिर्फ ये करना है, होम्योपैथिक दवाई लेना है और सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब छोड़ना है, ऐसा नहीं है। जो आप अभी तक करते आए हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन मेंटेन करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये मेंटेन करते हुए होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं। और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए पूरा अलग ट्रीटमेंट है, उनका सिम्टम वगैरह लेके फिर ही दवाई दिया जाएगा, ठीक है। आपको और कुछ पूछना हो इसके बारे में और कोई डाउट है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9096-74-5734 पे, या एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।